नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम क्लास ले रहे हैं जी, टॉपिक है तुरीय। पिछली क्लास के बाद ये टॉपिक बोला गया करने के लिए। तो तुरीय एक शब्द है जो बहुत पुराने समय के ऋषि मुनियों के द्वारा यूज किया गया। ये हमारे वेद में भी है, हमारे पुराण में भी है, और इसको एक खास स्थिति में यूज किया जाता है जब कोई चीज समझाने योग्य नहीं रहती, शब्द देने लायक नहीं की जाती, तो यूं मान के चलिए उसको एक नंबर दे दिया जाता है। तुरीय शब्द का एक्चुअल अर्थ है चौथा, फोर्थ मीन्स 1 2 3 4 लाइक दैट, भाई अगला, इससे अगला, इससे अगला। तो उसको एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया जा सकता, तो ये वर्ड है। जैसे आप हिंदू धर्म में देखें चौथा मनाते हैं, चौथा व्यक्ति मर गया, अब उसको ले गए अर्थी उठा करके, उसको जलाया, काम धाम निपटाया, फिर चौथा किया जाता है। तो कोई वर्ड नहीं है उसके लिए कि यार क्या मना रहे हैं भाई, चौथा हो रहा है, तेरहवीं हो रही है, दसवां हो रहा है, ये क्या ड्रामा है यार। भाई वर्ड होता है भाई, श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध एक शब्द है भाई, क्रिया की है, मैं मृत्यु के लिए अग्निदाह संस्कार किया गया, शब्द है ना। तो जहां शब्द नहीं है उसका वर्ड दिया हुआ चौथा। लोग हमेशा अपने परिजनों का समाज में देखते हैं चौथा मनाया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आता यार, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि चौथे का क्या मतलब है यार, कोई वर्ड दो इसको यार, कुछ ऐसा होना चाहिए स्पेसिफिक। तो ये माना जाता है कि चौथा एक क्रिया है, इसको हम यूजुअली चौथे दिन से जोड़ देते हैं, कई बार तो ऐसे लोग जल्दी भी कर देते हैं। तो चौथा मींस एक ऐसी स्थिति जब अस्थियां ठंडी हो गई व्यक्ति के मरने के बाद, और उसको लेकर के फिर हम दसवें दिन से पहले उसको संस्कार करने के बाद निपटा देते हैं, जल को जल में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं। जो लेकिन नाम तो तभी भी चौथे रहता है, चौथा रहता है अस्थियां, अस्थियों का कार्यक्रम होता है, फूल चुनना कहते हैं जिसको, वो फूल कहे जाते हैं, मृत हड्डियों का विसर्जन कर देते हैं। तो चौथा जो है ये एक स्टेट है, ये एक स्थिति है, परिस्थिति है हमारी। जैसे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो अब हम क्लास में बैठे हैं और सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, किसी के कानों में कैसे जा रही है बात, कोई कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये पहली स्थिति है, जागी हुई, हम जागे हुए हैं, जागी अवस्था में हम क्लास कर रहे हैं। थोड़ी देर में हालांकि कुछ लोग सो जाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो सोए सोए जागे जागे सोएंगे, यानी दो अवस्था हो रहा है। दूसरी है स्वप्न, सेमी, एक सेमी डिलक्स रूम होता है ना, सेमी जागे सेमी सोए। तो कई क्लास में ऐसे होंगे, मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ कुछ बकवास हो रही है और वो कह रहे हैं यार एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो दिमाग कहीं और है। तो जागी हुई अवस्था में सोए सोए से हैं, फिर बीच में कुछ सुन लेते हैं, एक शब्द छोटा सा, एक चुटकला आ गया, बकवास आ गई, फिर दोबारा से वो अपने चले गए। यार वो महल बनाना था इटली में यार, नदी किनारे सोचा था एक विला बने, डे ड्रीमिंग कहते हैं। ये बेसिकली ड्रीम अवस्था है, डे में करो या नाइट में, डे एंड नाइट चलती है ये। और तीसरी अवस्था ऐसी होगी तो कुछ लोग सचमुच में हो जाएगी, वो है सो गए, डीप स्लीप, सो जा राजकुमार लल्ला, इसे हम सुषुप्ति बोलते हैं, सुषुप्ति, डीप स्लीप। जब उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहेगा, क्लास चल रही है पर वो कह रहे हैं दफा करो यार, हम खुद पे फिदा है इस समय, टै, वो डीप स्लीप में है, उसमें एक सपने की भी हालत नहीं है। तो ये वो डीप स्लीप है जो कहते हैं यार बकवास होती है, होती रहे, छोटे बेबी बड़े प्यारे होते हैं, उनको देख के हम बड़े वाले बड़े जलते हैं यार, साले ये तो इस कुत्ते को देखो, साले को नींद आ जाती है, इतने हल्ला है, यहाँ यूक्रेन वार चल रही है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डीप स्लीप की अवस्था में बच्चों से हम बड़े जल जाते हैं, बड़े क्लेश में आते हैं कि यार साले बड़ी नींद, बड़ी मौज ले रहे हैं। अब ऐसी ही डीप स्लीप की स्थिति कई ऐसे हम साधु या संत शब्द को कहूंगा को हम विटनेस कर पाते हैं जीवन में, जो जागी अवस्था में भी डीप स्लीप टाइप में होते हैं, उसे हम जागी हुई का एक आगे का आयाम देते हैं, जागृत। तो ये जागृत है, अब ये जो जागृत है ये भी एक अवस्था है कि हाँ अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है यार मैं ऐसी स्थिति में हूं। कई लोग सपना देख के डर जाते हैं, कई लोग सपने के अंदर भी जानते हैं साला सपना चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं 4 बजे उठना पड़ा भाई, टॉयलेट गए, सपना आ रहा बड़ा मीठा सा, वहीं से वो एक आंख खोल के जाते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर सो जाओ, वो सपना कंटिन्यू करते हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, फिर आते हैं वापस लेटते हैं वहीं से चालू, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वो बड़ी मजेदार स्थिति है, यानी हमारे अंदर जीवन में और हमारे अंदर ऐसी विचित्र संभावनाएं चलती हैं कि हम खुद कभी ना कभी जीवन में सब विटनेस करते हैं ऐसा होता है, और हम खुद बड़े अचंभित होते हैं। हमारे जीवन में अभी अभी हमने कोई काम शुरू किया, 10 दिन का हॉल्ट हुआ, 11वें दिन फिर शुरू हो गया वही सेम, वाह यार एक पैटर्न चल रहा है यार, हर साल मई में जॉब के अंदर पंगा आता है भाई, सब कुछ भी हो जाए, जहां मावस आती है मेरे सिर में दर्द होता है उन दिनों में, सबका एक पैटर्न सा चलता है।
कि जब भी किसी नए घर में हम जाते हैं, शिफ्ट करते हैं जी, हमारे तो घर में बीमारी आ जाती है। जब भी मैंने नई जॉब शुरू की जी, पहले 10 महीने के बाद मेरी बॉस से झगड़े की स्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति। तो ये क्या होता है, एक पैटर्न बनता है। तो हमारे जीवन में हम जागी अवस्था जो काम कर रहे हैं, वैसी ही अवस्था हमारे अंदर की स्थिति को भी जानते हैं। ये जो भी हम जीवन को जी रहे हैं, जीवन, जीवन शब्द से आप समझे मैटर, मैटर है चिज्जी, हम चिज्जी को जी रहे हैं। जॉब एक चिज्जी है, मेरी जॉब है, मेरा सोफा है। सर, जो ड्रीम को रिकंटिन्यू करते हैं, जैसे आपने बताया रात को जैसे 4 बजे, तो वो क्या चीज, वो कौन सी सिचुएशन होती है सर उस वक्त, मतलब उसको डीप स्लीप बोलेंगे क्या बोलेंगे? ये कह रहे हैं जो लोग ड्रीम को कंटिन्यू कर लेते हैं रात को सोए सोए में, तो आप इसके साथ साथ देखेंगे हम जागी अवस्था में भी करते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बकबक कर रहा हूं, आपने कुछ सोचा अपने बिजनेस के बारे में, 15 मिनट मेरी बात सुनी, 15 मिनट में फिर दोबारा आप वहीं चले जाएंगे। तो ये मुन्ना की कैपेबिलिटी है कि भैया मैं ड्रीम अवस्था, स्वप्न अवस्था में हूँ, जागा है कि सोया है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो ये हमारे अंदर चलता रहता है, हमारे अंदर बहुत चीजें चलती हैं, बहुत सारे दिमाग हैं, बहुत कुछ चल रहा है हमारी खोपड़ी। सपने में सपना देखा, इसके लिए आप फिल्म देखें, वो कौन सी थी, लेडनर कोऑपरेटिव, इंसेप्शन मूवी देख, इंसेप्शन जरूर देखना, हिंदी में भी है। एक सपने में दूसरा, दूसरे सपने में तीसरा, सपने में जाके किसी के दिमाग में पंगे डालते हो, ओह माय गॉड, ऑफ इजिप्ट, बहुत सारे लफड़े, ये गॉड्स ऑफ इजिप्ट की मूवी है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, सारी की सारी बात कर रहे हैं हम चीजों की, हमारे संसार के अंदर, संसार जो जीवन हम जी रहे हैं उसके अंदर हम जागी अवस्था में होते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं और डीप स्लीप में होते हैं, जागे सोए ये स्वप्न। इस तीसरी अवस्था के बाद एक चौथी अवस्था है जिसका नाम तुरी है, जिसके लिए चौथा मनाया जाता है। ये चौथी भी एक अवस्था है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि एक ऐसी अवस्था है हमारी जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अब आप मान के चले ये क्या है और ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में हमने एक तरह से इंडायरेक्टली बहुत सी क्लासेस की हैं, लेकिन ये कृपा है इसकी क्लास करवा रहा है, इसके बारे में कहा कुछ जा नहीं सकता तो मैं क्या बोलूं टाइप्स, अभी समझ जाएंगे आप भी कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो चल रहा है सब कुछ, कि हम जागे हुए हैं या जागृत हो गए, ज्ञानी हो गए या सोए हुए या हम डीप स्लीप में है, सपने में है, ये सारी चीजें एक पर्दे पे चलती है। ये हमारे अंदर का एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर ये सब घट रहा है, ये वो पर्दा है। अब आप देखेंगे धीरे थोड़ा रिफाइन होते जा रहा है, छाछ बनी, लस्सी बनी, फिर घी बना, तो पहले हम जागे हुए फिर हम सोए जागे हैं, ये चुस्त है, ये सुस्त है, ये एक तरह से डेड टाइप है। आपको डीप स्लीप में पता ही नहीं, आपको कोई चाकू मार जाए तो आप दर्द की वजह से उठोगे, डीप स्लीप में साला सपना भी नहीं आ रहा, इसमें पता चल रहा है, इसमें थोड़ा पता चल रहा है, थोड़ा पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमें यह पता चल गया है कि सोए हुए अवस्था में हमें कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद एक अवस्था और कही गई है जिस अवस्था का नाम दिया गया है चौथी अवस्था, कि इसकी अवस्था में हमें कुछ नहीं पता है, ये भी नहीं पता। हम कहते हैं ना शून्य हो गया, शून्य हो गया मीन्स यार कुछ पता नहीं चल रहा, पर यह पता चल रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा, हमें यह पता चल गया। एक ऐसी भी अवस्था है कि कुछ पता नहीं चल रहा, ये भी नहीं पता, ये हो गया डड, क्या क्या है ये, इसे हम सिद्ध कहते हैं, सिद्ध हो जाना, कि ये व्यक्ति सिद्ध हो गया है, यानी कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा भी हम यदि हो सके, ये मैं शब्द बोल रहा हूं, यही बात है, इसके शब्द नहीं हो पाएंगे, बार बार यही होगा कि आज की क्लास में हम कहेंगे इसके बारे में कहूं क्या, पर मुझे आसपास जाना पड़ेगा कि इनोसेंट व्यक्ति की बात है, इनोसेंट है, पता ही नहीं चल रहा, लेकिन वो इनोसेंट है, ये पता चल रहा है कि वो इनोसेंट है। तो हम एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचना है जो आखिरी है, वो पर्दे की तरह है, लेकिन वो पर्दे की तरह भी नहीं है, वो है भी नहीं, पर वो है। हम जितनी भी बात करते हैं, हम कहते हैं ना और क्या हालचाल है यार, कहाँ जा रहा है और क्या चल रहा है। अगर हम कन्नड़ भाषा सुनेंगे, मद्रासी सुनेंगे, तो हम कहेंगे इंडे पिंडे करते रहते हैं। अगर वो हमारी भाषा सुनेंगे ना, वो कहेगा है, 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 बोलता रहता है, हम है बहुत बोलते हैं, ये है क्या है यार ये, अबे तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं है, है हमेशा चलता है, आपके पास है और नहीं है में भी है, तेरा नाम क्या है, तू कहां जा रहा है यार, जॉब नहीं मिल रही है, ये जो है वर्ड हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, ये वर्ड इसकी क्लोजनेस पर जाता है। हाँ बोलो जी, प्रश्न बोलो। पापा जी, फिर ये अवस्था से हम डिस्कनेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमें नफरत करने लगते हैं, नफरत है जो हमें तुरिया अवस्था से दूर लेकर जाती है। ये कह रहे हैं कि नफरत है जो हमें तुरिया से दूर लेकर जाती है। तुरीय नाम है, मात्र एक दिया हुआ, इसको हिंदी में देवनागरी चौथा कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं नफरत है जो हमें इससे दूर ले जाती है। नफरत कौन कर पाता है? मुन्ना कर पाता है, मुन्ना के पास स्वप्न अवस्था है, तो ये दूर नहीं ले जाती, हम मुन्ना के पास होते हैं, हम मुन्ना के पास होते हैं। इसको धीरे धीरे आएगा पकड़ में।
आपके जीवन में यदि आप जीवित हैं, यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो इसलिए जीवित है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा के अलग अलग अवस्थाओं में एक अवस्था जागी हुई है, एक स्वप्न अवस्था है और एक सोई हुई अवस्था है, और एक अवस्था आत्मा की वो है जिसकी वजह से ये सारी अवस्थाएं हैं। जैसे अब हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं? नहीं, आंखों की वजह से देख रहे हैं, पर देख कौन रहा है? नहीं, तुरिया नहीं देख रहा, कौन देख रहा है? बस इसको ही समझना है कि ये समझ कुछ नहीं आएगा। हमारी देखने की प्रक्रिया सहज है ही इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये है, हमारी देखने की स्थिति है ही इसीलिए कि ये ऐसे कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? तू हमारे अंदर है, भगवान तुझसे मिले। कैसे मिले? वो हनुमान जी की मूर्ति वहां पे, वहां चले जाओ, वो भगवान जी बैठे वहां, वो भगवान की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, वो ये है, मुन्ना ने बनाई है, अभी तो यहां भी नहीं हो आप, तो भगवान का अंदर से काम कर रहा है, भगवान से मिलना है। कौन बोल रहा है ये? आपकी जबान बोल रही है? नहीं, जबान तो यंत्र मात्र है, इससे आप गाली भी बक सकते। ये बोलने की शक्ति कहां से आई है? ये बोल कौन का क्या कहां से बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं हम अच्छी बात गंदी बात बोल रहे हैं, ये बोल कौन रहा है? अच्छी और गंदी बात मुन्ना बोल रहा है, लेकिन बोल पाने की ताकत कहां से है? कोई अंदर है कहीं, एक परिस्थिति, एक बैटरी का हिस्सा है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है, सब कुछ हाजमा हो रहा है। क्या वो ये सब कर रहा है? नहीं, वो ये सब कर नहीं रहा, वो बस है। उसका काम क्या है फिर? उसका कोई काम नहीं है, वो बस है, क्योंकि अगर वो है तो ये तीन है। वो है इसीलिए सब होता है। अब उससे मिलना है, भगवान से मिला दो, हमें परमात्मा के चरणों में जाना है। किसने जाना है? कौन बोल रहा है इस समय? बोल ही उसी की वजह से रहे हो, उस शक्ति की वजह से। अब उसके चरणों में कौन जा रहा है? उसी को कंफ्यूज कर रखा है मुन्ना ने कि उसी के चरणों में जाना है, तो क्या हो रहा है? खिचड़ी सी हो रही है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम भगवान से मिलना चाहते हैं, है कौन हम? हमारे अंदर ही तो वो है, पर उससे मिले कैसे? वो करता कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। ये एक चौथी अवस्था है जो करती कुछ नहीं, लेकिन अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। वाह यार, क्या पोयम सी बन गई यार, ऐसा अच्छा सा लग रहा है, ऐसा तो कलेजे में ठंड सी पड़ गई, जैसे आइसक्रीम खाई हो मैंने। कौन सी मेवा मलाई खाएंगे? अन्ना मलाई मुझे पता, बताना नहीं ना सबको, बदाम होते उसमें, गर्मी हो जाएगी। अब ये जानना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पहुंच नहीं पाते। जितने लोग यहाँ पर बैठे ना मुन्ना के इलाके में, वो सब परेशान है, मकान नहीं बन रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, घर में शादी नहीं कर पा रहे बच्चे की, पैसे का इकट्ठा हिसाब किताब नहीं हो पा रहा, कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब ढूंढ रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, किसी व्यक्ति को झगड़े चल रहे हैं, बच्चा नहीं कहना मानता है, वो सब यहाँ है। अच्छा, सुखी कौन है? जो इसके आगे जा चुके हैं। कई लोग बड़े सुखी हैं यार, बैठे बैठे जॉब मिल रही है यार, नोट छप रहे बैठे बैठे भाई, यूं ही अपना प्रेम मिल रहा है, यूं ही जॉब, सब काम, मकान पे मकान बन रहे हैं। वो क्या है यार, कौन कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऐसे होते हैं लोग, एक जन्म में साले मल्टी मिलियनेयर बन गए, बड़ी बड़ी बीमारियां रिवर्स हो गई, कैंसर आउट हो गया, क्या है यार ये, कौन कर रहा है ये? अच्छा, कर कौन रहा है? वो जो करेगा कुछ नहीं, सिर में दर्द हो जाएगा। वो क्या है उसको फिर से समझेंगे। ये आत्मा के चार तल है, आत्मा की सात अवस्थाएं होती है, ये सात अवस्थाएं ऑफ आत्मा, आत्मा के तल, इसको लेते हैं। पर इससे पहले हम इसको समझेंगे, समझ के खाक पाएंगे, समझेगा कौन? समझ भी उसी की वजह से रहे। अब भगवान ढूंढने का चक्कर खत्म नहीं होता है तो हमारा दुनिया में, भगवान को ढूंढ कौन रहा है? वो ढूंढ रहा है, वो किसे ढूंढ रहा है? उसी को। ये सर, प्रीति जी ने पूछा, ये जो हम आप कह रहे हो कि हम तो ये हम हमारा बॉडी नहीं है क्या? हम तुम हम है, मैं, मेरा अहंकार हो गया, मेरी कल्पनाएं, मुन्ना हो गया, मेरा गुरु, मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, मैं, मेरा शरीर हो गया, मेरे चमको हो गए जो दिन दुनिया मेरा दिमाग खराब करती है, कभी सिखाती है, मैं, मेरे हालात हो गए जो मेरा प्रारब्ध है, मैं के साथ ये सारे बहुत सारे मैं मिलके हम हो गए। इसमें तुरीय है, तुरियातीत है, भगवत स्थिति है, ब्राह्मी, बहुत सारे लफड़े अभी करते हैं। बादल देखे होंगे अपने, बादल में गाने बहुत है, दो बादल मिल गए हम, बदली छा गई, बदलापुर देखे, बहुत अच्छा गाना उसका, मैं बताऊंगा ही, वैसे फालतू में निकल आया वो मैं उन्दा मुन्ना ऑन रख रहा था, बीच रास्ते में मुन्ना ऑन रखा, दो बादल मिले। अब उस बादल के अंदर आपने टॉर्च ली और ढूंढना शुरू किया, डेंग डेंग, विदाउट म्यूजिक भी ढूंढ सकते हैं, डेंग 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 डेंग, आपको बिजली नहीं मिल रही, और बिजली पे आप गाना सुना होगा आपने, बिजली खड़ी यहाँ, बिजली खड़ी है बाबू जी धीरे चलो टाइप्स। अब ये बादलों में बिजली आप ढूंढ रहे हैं, बिजली है नहीं, परसाली बिजली है, अब यार कड़कता है तो बिजली कड़कती है, पर ये थी कहाँ? परे है, परे नहीं है, यहां नहीं है भी नहीं है, ये क्या चक्कर, दिमाग खराब हो जाएगा। कोयले उठा लिया आपने, दो कोयले आपने देखे और कहा बिजली भार आओ,
अब कोयलों में बिजली है नहीं है, सवाल ही नहीं होता, है नहीं है, है शून्य है, पर है यार उसमें बिजली है नहीं है यार, पर उसमें बिजली है, उसमें है, ये है। सूरज होता है, बादल चढ़ जाते हैं, लेकिन बादल की ताकत सूरज को छुपाने की है, लेकिन सूरज तो है ही है, लेकिन उसकी ताकत उसको छुपाने की क्या है? सूरज की ताकत कह रहे हैं बादल छुपा देते हैं, सूरज की ताकत बादल नहीं छिपा पाते, वो अवरोध लगाते हैं, जैसे हमारे अंदर सिर्फ अवरोध है, हम भी अवरोध लगाते हैं अपनी शक्ति पे, हम कहते हैं हमसे ना हो सकेगा, फिर बाकी ना हो सकेगा। अब जो ना हो सकेगा ये किसकी वजह से होता है? अभी मैंने बोला ना हो सकेगा, ये तुरीय पे जाके कंपित हुआ है, अब वाकई नहीं हो पाएगा, कॉस्मोस ब्रह्मांड लग जाएगा, नहीं होने देगा। और जिसने कहा करेंगे, होएगा, कैसे नहीं होएगा, उसका होएगा, उसको परमात्मा आके कृपा करके देगा, तेरा पट्ठे मैं करा के दूंगा। वो उसे कहते हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बैठे बैठे कैंसर हो गया, दारू नहीं पीते लिवर फेल हो गया, चमत्कार हो गया। बादल नेगेटिविटी है, बादल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, बादल अपनी जगह है, सूरज और उसका एक खेल है, इसे लीला कहते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव से हट जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव में जब तक घुसे रहोगे, अच्छी बात गंदी बात, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरी बीवी बुरी है, आपकी जिंदगी में कभी मुन्ना से आगे जाओगे ही नहीं, वही खेलते रहोगे। अब दो बादल हैं, ये बादल मिले और बिजली है जो नहीं है, तो बिजली कहां से है? उसकी वजह से है जो है ही नहीं, लेकिन वो है, तो सिर में दर्द हो जाए तो डिस्प्रिन सबको स्पॉन्सर की जाएगी। अब ये बादल कड़क बैठे, इनके अंदर बिजली है, इसे हम ये कहेंगे चौथी अवस्था है बिजली की, फोर्थ, अब इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसने नंबर दे दिया चार, क्योंकि इसके आगे तीन है, फिर ये बिजली हमारे पावर हाउस में होती है, पावर हाउस ये है तीसरा। अब पर तीसरे के बोलने की जरूरत क्या, हमें पता है पावर हाउस है यार, इसका नाम है पावर हाउस। उसके बाद आगे चल के चला, ये बिजली चली गई पंखे में, पंखा जिसको कुछ और पसंद आए, मिक्सी ग्राइंडर जूसर वो अपने हिसाब से लगा ले, कोई पंखा, हम पंखे पे चल ले कोई बात नहीं है, लाइट ट्यूबलाइट बल्ब पंखा है। और उसके बाद बड़ा पंखा, छोटा पंखा, गोल पंखा, चौकोर पंखा, मामा जी का पंखा, चाचा जी का पंखा, पड़ोसी का पंखा, तो ये तीसरी है, दूसरी है, पहली है, ठीक है जी। अब ये इतनी सारी छोड़ा क्यों, छोड़ा छोड़ना नहीं, पंखा छोटा करेंगे इसको, मैं तो छोड़ रहा हूं, लंबी लंबी छोड़ रहा हूं, छोड़ जा रहा, छोड़ना ही सिखा जा रहा है। आज चौथे की बात कर रहे हैं हम, ये है लंबी लंबी छोड़ना, पावर हाउस है ये, हमें दिख रहा है ये, पता नहीं ये, लेकिन स्लीप मोड में, ये डीप स्लीप है, पावर हाउस में बिजली पड़ी हुई है, कुछ नहीं करती, ये डीप स्लीप है। ये कौन है? ये दादाजी है, दादाजी है हमारे अंदर बैठे हुए, रेप्टाइल ब्रेन, तैयार तो हूं मैं करने के लिए, मुझे मौका तो दो। अब यहां से आगे चला गया पंखे में, पंखे का ना एक मन है, मुन्ना है, ये मुन्ना है हमारा, ये हमारी दूसरी स्टेज है, लेकिन ये चिज्जी है, ये मुन्ना धरती पर हर चिज्जी बनाता है, चिज्जी। आप जब भी जीवन में चीजों के लिए परेशान है, आप मुन्ना के तल पे हैं, यार नोट कमाए जाए भाई, मुन्ना कर रिया है, करा देगा वो, यहां तक पहुंच जाएगा बादल तक, नोट भी मिल जाएंगे भाई, नाम चाहिए, बीमारी आ जाती है, लोग भजन कर रहे हैं कैंसर, कैंसर ले, गिफ्ट ले, सब कुछ भोला भंडारी, इसी को शिव कहते हैं, भस्मासुर को ही वरदान दे दिया और वो शिव के पीछे लेके हाथ भाग लिया कि तेरे को जलाऊंगा, यानी इतना भोला है वो, इसे कोई लेन देन ही नहीं, क्या मांगा, तो बिजली इतनी भोली है, इसे कोई लेन देन नहीं, तुम इससे एक्सप्लोसिव चलाओगे कि पंखा चलाओगे, इसे कोई लेना देना नहीं है, कटर मशीन चला के गला काट दोगे, इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर चिज्जी है के लिए बिजली चाहिए, लेकिन बिजली कैसी चाहिए? पावर हाउस वाली, पावर हाउस के पीछे भी एक और अवस्था है बिजली की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, पर यह बहुत गहरी चीज। तो ये है आपका मुन्ना, ये है चीजें। अब ये पंखा, पंखे का काम क्या है? चलना है, गोल गोल घूमना है, घूमना है, मुन्ना को चाहिए, चाहिए है, चाहिए है। फिर उसके बाद है बॉडी, शरीर, ये शरीर रूप। एक पहली अवस्था हो गई है जागी हुई, भाई किससे कर रहे हो? अंदर से कोई काम कर रहा है, मन कर रहा है मेरा, मन मन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो कर दिख कौन रहा है? बॉडी दिख रही है तो करेगा कौन? ये जागी हुई अवस्था है, मेरा जागा हुआ शरीर है, अंदर मुन्ना कुछ और खिचड़ी पका रहा है, जिसके मैं गले लग रहा हूं उसी को जान से मारना चाहता हूं, अंदर की दूसरी अवस्था है मेरी, कुछ और चल रहा है। तीसरी अवस्था क्या? पावर हाउस, कि वो मैनिफेस्ट ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या वाकई में मैं जो मेहनत कर रहा हूं उस तरफ मुझे प्राप्ति होगी या नहीं होगी? लेकिन होगी किसकी वजह से? होगी इसकी वजह से, क्योंकि बिजली नहीं तो जानी नहीं। अगर हम बिजली को पकड़ रहे हैं तो ये ऐसा रूप है, एक चौथी अवस्था ऐसा रूप है जिसमें है पर नहीं है, है और नहीं है दोनों के बीच कंफ्यूजन है, पर नहीं है भी नहीं है, यहां बिजली नहीं है बादलों में, ऐसा कहेंगे बिजली बादलों में नहीं है लेकिन है, लेकिन नहीं है भी नहीं है, ये तुरीय चौथी अवस्था कही जाती है। इसके बारे में डिस्कशन तो हो नहीं सकता, इसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता, पर फिर ये इतनी जरूरी क्यों है? ये इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये है जो कॉस्मोस से मिला हुआ तार है, ये कॉस्मोस है,
हमारे अंदर ब्रह्मांड जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, जिसके कारण से जीवन चल रहा है, आंखें देख रही हैं, पेट पचा रहा है और समय अनुसार हमारा जीवन प्लस माइनस हो रहा है, ये वो कॉस्मोस है। जैसे हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, सो साइंस में टर्म बोलते हैं लेटेंट, लेटेंट ये वो है। इन्होंने बोला साइंस में टर्म बोलते हैं लेटेंट, यानी पड़ा हुआ, अभी कुछ कर नहीं रहा, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, भी नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे अंदर है और नहीं है समाप्त हो जाता है। ये जरूरी क्यों है जानना? ये जो लोग जान जाते हैं, जिस जो इस अवस्था को महसूस कर बैठते हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। सर इसको रमन्ना महर्षि जैसे हम भगवान कहते हैं उनको, तुरिये को तुरिये ही जान सकता है और तो कोई जान नहीं सकता, ये कह रहे हैं तुरिये को तुरिये ही जान सकता है। बहुत प्यारा शब्द दिया है। आप पहले ये समझ लें, हम जो भी जान सकते हैं ये उसी की वजह से जान रहे हैं, तो उसको कोई जान भी नहीं सकता। जान नहीं सकता तो ये शब्द मतलब ये शब्द गलत हो गया, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यही अंदर कुछ समझना पड़ेगा कि यार क्या है ये, एक रहस्य है। पर ये रहस्य नहीं, रहस्य भी नहीं है, ये रहस्य है या रहस्य नहीं है ये भी हम उसी की वजह से ही सोच पा रहे हैं। तुरिये की अगली अवस्थाओं में जब जाते हैं तब तुरिये की अगली अवस्था पांचवी अवस्था आत्मा की है, तुरीयतीत यानी तुरीय से भी आगे चले गए। तुरीय अवस्था में रहने वाला स्वतः ही इस अवस्था पे चला जाता है, ये पांचवी अवस्था है। हाँ जी गुरु जी, जैसे योग निद्रा में वो पीछे से कुछ कमांड्स देते हैं तो वो हम एक स्टेज में जाते हैं, वो कौन सी स्टेज होती है? इन्होंने बोला योग निद्रा में कमांड देते हैं वो हम कौन सी स्टेज में जाते हैं, वो है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग है, वो प्रोग्राम्ड ड्रीमिंग है। ये सब हम सारी जिंदगी मुन्ना के तल पे काट देते हैं। हम जागे हुए जो काम कर रहे हैं उसमें से ऐसे लोग हैं जो 90% स्वप्न अवस्था में जिंदगी काट बैठे हैं, इसलिए हमारे काम ही नहीं होते यार। बट वो उसी टाइम पे कहते हैं कि कोई संकल्प लो, हाँ कोई अफर्मेशन, ये कह रहे कोई अफर्मेशन लो, संकल्प लो, वो चिज्जी बन जाती है, पर वो चिज्जी बनाने वाली चीज है। आपने लूसिड ड्रीमिंग में जो संकल्प लिया वो दादाजी पे हिट करता है और दादाजी तो मैनिफेस्ट करके देते ही है। किसके तल पे? इसके तल पे। अगर ये नहीं है तो कुछ है ही नहीं, पर ये तो अपने आप में है ही नहीं, और ये नहीं है भी नहीं है। जो रीजन वाली साइंटिस्ट उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रेट चलता है, वरना वो रैंडमली मूव करता है, यानी कि वो है और पता नहीं है। हाइजेनबर्ग ने कहा है, मैक्स प्लैंक इसका पापा रहा है सबसे बड़ा, जिसने पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बोला है कि तमीज से चलो। इन्होंने बीच में एक नई बात छेड़ दी है कि ये कहा गया एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट फिजिसिस्ट था, नोबेल प्राइज मिला था उसे 1916 में शायद मिला था, देखो रट्टों के अनुसार चल रही, मुझे गलत भी हो सकता है, तो 1916 में मिला था। अब वो बंदा कहता था मैक्स प्लैंक के भाई आपने जब किसी को देखा तो देखते ही वो तमीज में आ गया, अब घर में बैठे पता लगा मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ के खा कर रहा हूं, मम्मी के आंखों में धूल झोंक रहा हूं, पढ़ता मैं हूं नहीं, मुझे शैतानी करनी है, मैंने कॉमिक छुपा रखी है स्पाइडरमैन की फिजिक्स की बुक के अंदर है, इतनी देर मम्मी ने कहा पापा आने वाले हैं तेरे, ओ यार पापा आने वाले हैं, मैंने उस कॉमिक को जैसे तैसे बड़ी सफाई से चतुराई से पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया है, और जो मेरा ध्यान इधर उधर और किधर किधर था वो मेरा ध्यान किताब में आ गया, पापा आ गए मैं सीधा हो गया। अब तो भाई साहब मुझे जो पढ़ा है मैंने उस दौरान तो पेपर में लिख के आऊंगा फर्राटेदार फर्स्ट आऊंगा, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, ये मेरी ध्यान ऊर्जा संग्रहित कैसे हो गई जब पापा ने देखा, यानी कि मैं सीधा हो गया जैसे कि मुझे पता लगा कोई मुझे देख रहा है, इसी को माइक्रो ये मैक्रोकॉस्म है माइक्रोकॉस्म। जब मुझे ये पता है कि मैं किसी के देखने से सीधा हो सकता हूं, तो जब मैं अपने अंदर के विचार को देखता हूं विचार भी सीधा हो जाता है। हम ढंग से विचार तक नहीं करते यार, 1 करोड़ कमाना है, अंदर से आवाज आती है अबे टट्टू तेरे बस की है साले, शक्ल देखे तूने आईने में? नहीं नहीं गुरुजी ने कहा है ऐसा कर, 10 लाख की बात कर यार, 10 लाख कमाना है, अबे साले कमा के रखे हुए कहां है, पता है इतना कैश लेके पुलिस पकड़ लेगी, पता है वो मामा जी के भतीजे को पकड़ लिया था उन्होंने, 4 लाख रुपए आए थे भाई साहब थाने में रहा था एक रात, नहीं यार 1 लाख आ जाए यार। हम एक मत एक पार्टिकल एक चीज नहीं बना पा रहे, एक विचार, ये 10 जगह विखंडन हो जाता है ऊर्जा का, इसके कारण से हमारे काम नहीं होते, और फिर हम कहते हैं भगवान तू सुन ले, भगवान ही कर रहा है, ये अंदर बैठा भगवान ही है जो आपको 1 करोड़ दे सकता है और 1 करोड़ नहीं भी दे सकता, पर वो करेगा कुछ नहीं। कृष्ण ने कहा मैं करूंगा कुछ नहीं, मुंह से कुछ होता ना, इसको मैं ले लूं, ये तुरीयतीत है, ये इसको डिटेल बीच में देखेंगे लगा मौका, ये तुरीयतीत है। इस स्थिति में व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तुरीय अवस्था का, यानी कि कुछ है या नहीं है ये चीज आउट हो जाती है उसके माइंड से, और ऐसी स्थिति में उसे हम सिद्ध कहते हैं। इसके बाद कहते हैं भगवत अवस्था। इस अवस्था को तुरीयतीत में रहते रहते अपने आप ही व्यक्ति पालते, ये बातें हैं होना होना किसी का नहीं है, छोड़ दो चक्रों मत फंसो, पर जानना इसलिए जरूरी कि हम तुरीय पे जाके यार अपने लिए नावा कैसे बनाए, नोट कैसे बनवाए भगवान जी से, है प्यार कैसे पाए, संसार में मत्ती कैसे करें,
ठीक है, हमें ऐश करनी है, हमें कोई फालतू ज्ञान व्यान नहीं लेना है, ठीक है। ये भगवत कृपा, ये भगवत स्थिति क्या है, जब हम सिद्ध को साध लेते हैं, साध लिया, अब हमारे लिए कोई लेन देन नहीं रहा। ये क्यों है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम सब अपने जीवन के अंदर अपनी खोपड़ी के साथ 10 जगह वेव्स फेंक रहे हैं। हम यहां तक वेव्स फेंक रहे हैं कि कहीं गए और वहां बैठे तीन लोगों के बीच यूं ही बैठे हैं, अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं। अबे पता तुझे यूक्रेन वार में क्या हो रहा है भाई, रशिया ने यूं कर रिया रशिया, अबे नाटो का नहीं पता तुझे, इतना नाटो है वो, इतना नाटी है, बल्कि मैं कहता हूं नाटी नहीं है बल्कि नाटो नोटी है, पर बस बकवास चल रही है और अचानक हमारे अंदर खुजली हो रही है। ऐसा भाई साहब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आप तीन लोग बैठे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या है, मुझे खुजली हुई है बताने की क्यों, तो मैंने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं फालतू में किसी के, मेरे अंदर ऑडियंस वाली फीलिंग नहीं रही, मुझे पार्टिसिपेशन हो रहा है, मैं मुफ्त की राय देने बैठ जाऊंगा, मेरे बच्चे का ये नहीं हो रहा, मेरे को आग लगी पड़ी है, मेरी नौकरी में वो नहीं हो रहा, मेरी प्रमोशन, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हमें फर्क ही पड़ना बंद हो गया, हमें कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता, दैट इज भगवत स्थिति। आप जैसे ही किसी के साथ पार्टिसिपेट कर बैठते हो, आप प्रिलीव करने बैठ जाते हो, अनवांटेड वांट क्रिएट करा बैठते हो, या फिर फोटोकॉपी बना लेते हो, और आपको पता ही नहीं कि आपने मेहनत तो बहुत करी, सफल फिर भी नहीं हो रहे, आपका दिल तो बहुत साफ है, आपने बहुत पक्षियों को पानी पिलाया, बहुत गरीबों को खाना खिलाया, फिर भी काम नहीं हो रहे, ये बेवकूफ बनाने की क्रियाएं हैं। एक्चुअली कहां हमें टैप करना है, एक्चुअली हमें यहां टैप करना है कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना, ये सिद्ध हो जाना, साधु बन जाना, साध लेना, ये वो स्थिति है जिसके अंतर्गत आप पार्टिसिपेशन नहीं करते कुछ भी, आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लेना देना नहीं है कि मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए, वो फिर आप पीछे मुन्ना के स्टेज पर हो, लेना देना है ही नहीं, लेना देना नहीं है ये भी नहीं है, आप खुद को ये भी नहीं करे, नहीं नहीं मुझे मना किया नहीं कहना, ये भी मुन्ना है, अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे, काम अभी भी नहीं होंगे जीवन में, इसके आगे स्थिति आती है आपकी ब्राह्मी। लेकिन ये सोच के स्थिति में जाना कि काम हो, ये भी तो फिर मुन्ना की बात हो गई, ये सोच के जाना किसी स्थिति में काम हो, ये भी तुरिये की वजह से ही होगा जो मुन्ना अटैक डाल ले, देखा नहीं समझे, ये है पॉइंट, इन्होंने बोला ये समझ नहीं आया, ये इतना सरल है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे पैराडॉक्स बोलते हैं, कि ये इतना सरल है कि बहुत ही कठिन है, इसलिए इसको समझने की कोशिश भी मत करो, माथा मत मारो, ऑडियंस बोलो, ऑडियंस मीन्स देखा, एक टाइम देखा भी नहीं, इसके आगे की अवस्था ब्राह्मी है जिसमें हम अक्सर शब्द बोलते हैं, ये पहले बता दूं आपको, धीरे धीरे खुलेंगे, पढ़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, पता नहीं क्या बना रहा हूं मैं, तत्त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं, और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही हूं भगवान हूं, नहीं मैं ही हूं, बस हूं, खत्म, मैं क्या हूं ये शब्द नहीं है, मैं हूं, हूं हूं होना रह जाता है। अब ये सब जानने की जरूरत क्या है यार, ये बहुत सरल है, क्योंकि जो भी हम चिज्जी बना रहे हैं संसार में, वो चिज्जी बना इन शक्तियों की वजह से रहे हैं। अब यहां जितनों लोगों को चिज्जी बनानी है, हिप्नोटाइज करना है अपने अपने हस्बैंड को, भाई ये तो हक बनता है स्त्री का, भाई हाँ हस्बैंड को हिप्नोटाइज करना है, ठीक हो गया। दूसरा एग्जांपल, मैंने अपनी जॉब को हिप्नोटाइज करना है, मैंने अपने बॉस को हिप्नोटाइज करना है, मैंने अपने जीवन में एक घर हिप्नोटाइज करना है मुझे मिल जाए, मैंने धन को हिप्नोटाइज करना है, अबे इधर किधर जा रहा है, इधर आए मेरे पास आ। हम कैसे हिप्नोटाइज करें, ये वशीकरण कैसे, लोगों के पल्ले चार चार जॉबें पड़ी होती है, लोगों के पल्ले 10-10 लाख 50-50 करोड़ फालतू पड़ा होता है, लोगों की जिंदगी के अंदर गाड़ियों का अंबार है, साला चलाने के लिए बंदा नहीं है, दारू पी पी के निहाल हो रहे हैं, लिवर को कुछ नहीं होता, यार ये कौन सी शक्ति है, कोई तो फर्क है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात है। सर इसमें क्वेश्चन आगे रोकूं से फिर मैं ओके। सर इन्होंने पूछा है खुशी जी ने कि इस तुरिया स्टेट यूजफुल टू लर्न व्हाइल स्लीपिंग, ये ऐसा इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि बॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क ड्यूरिंग स्लीप एंड तुरिया इज द स्टेट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और कनेक्ट विद कॉस्मोस, जो भी सोते टाइम दादाजी कमांड देते हैं तुरिये के पास जाके वो कंप्लीट होती है, तो डीप स्लीप की स्टेट तुरिये को, ये कह रहे हैं कि तुरिये के बारे में फालतू के क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, करेगा जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। सर हु इज डूइंग, हु डज इंट्यूशन, इंट्यूशन कौन करता है, तुरिये करता है। और तीसरा क्वेश्चन है सर, जो साइलेंस झावल ड्रीम के बाद आता है वो कौन सी अवस्था है, जो साइलेंस झावल ड्रीम के बाद आता है वो कौन सी अवस्था है, हर अवस्था है। हमने रात को सोते सोते कोई कमांड दी, दादाजी ने कुछ पूरा किया, हमने झावल ड्रीम किया, उसके बाद हमने कुछ फील किया, हमने कुछ किया, ये सब किया, किया नहीं किया, ये 1-2-3 पे चल रहा है, उड्रू उड्रू भी इंक्लूडेड, उड्रू उड्रू किया, कुछ भी किया, ये 1-2-3 पे चल रहा है। जो चौथा है उस पर कुछ नहीं चल रहा है, उस पर कुछ नहीं चल रहा है, भी नहीं चल रहा है, वो है और नहीं है ये भी खत्म हो गया,
यानी आपके अंदर एक ऐसा भी इलाका है जो इलाका नहीं है, और वो नहीं है ये बात भी नहीं है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम भी एक जगह है। आपको ये ऐसा काम सोचना है कि यार एक चीज बताओ, हम पैदा हुए, हम बड़े हो रहे हैं, हम दांत उग रहे हैं हमारे, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे पास नोट आ रहा है, पैसा आ रहा है, चीजें अपने आप आ रहा है, मुन्ना की वजह से आ रहा है, हमारे पास्ट कर्म की वजह से आ रहा है, किसी बच्चे का सुख दुख हमने भोगा, पर ये किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, जहां पर ऐसा हो रहा है। वहां क्या है? वहां है कुछ नहीं। हमने ये शब्द क्लास की हुई है, कुछ नहीं, कुछ नहीं कौन है? नथिंग। नथिंग का एक्चुअली शब्द है नो थिंग, यानी वो चिज्जी नहीं है, पर वो है, पर वो है, पर वो चिज्जी नहीं है, ये उसके आगे है। यानी हम एक कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं, हम मान लो मुन्ना को यूज करेंगे, हम ये कल्पना लेके चलेंगे। यार ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म हमारे अंदर है जिसमें हर कुछ है और नहीं है भी खत्म होता है। ये स्थिति का फायदा क्या है? यहां पहुंचने का फायदा क्या है? आपको इंट्यूशन ऑन हो जाती है, आपको अपने आप सब पता चल जाता है, आपकी वाणी में सरस्वती आ जाती है, आप भगवान ही बन जाते हो। पर भगवान बनने के शौक किसको है? सबको है, सबको चाहिए, सबको किंग साइज चाहिए, सबको अच्छा बनना है, एक्स्ट्रा लार्ज बनना है। क्यों बनना है? मुन्ना चाहता है। अब मुन्ना चाहता है मैं धांसू लाइफ जीऊं, तो क्यों ना एक ऐसी डायमेंशन में, एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी सोच में हम टैप करें जो है ही नहीं, जो नहीं है भी नहीं है। तो मुन्ना उसके बाद रॉकेट की तरह आग लगा देगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, भगवान रमन महर्षि का, उनको कैंसर से मौत हुई, उनको फर्क नहीं था, आम जगह पड़े हुए हैं, कौन जानता है दीन दुनिया में, गरीबों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस यूं ही जी रहे हैं, कट रही है जिंदगी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उन्हें कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं है, सिद्ध है, उन्हें भगवान कहा जाता है। जब इस स्थिति को समझ जाएंगे तो हम भी तो वैसे ही हो जाएंगे। इन्होंने बोला जब हम उस स्थिति को समझ जाएंगे तो हम भी तो वैसे हो जाएंगे। काफी है, रमन्ना बहुत है, विवेकानंद बतेरे हैं, रामकृष्ण बतेरे हैं, ऐश करना ना, हम पार्टी वाली क्लास कर रहे हैं आज। अब देखो अगर आपको पता चल गया तो आप सारे के सारे वैसे हो जाओगे। जैसे भगवान रमन्ना महर्षि की बात हम करते हैं, उनको मान लो, मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं, मुक्त में भाई भगवान को कहते हैं, फिर उन्हें यार कुछ तो बात होगी, फिर मेरा दया निकल जाए, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, दुनिया इतनी पागल नहीं है कि उन्हें भगवान मानते हैं, रामकृष्ण को इतनी बड़ी तोप मानते हैं, ऐसे ऐसे कबीर हुए, संत हुए हमारे यहाँ जिनको रसखान हुए सुदाम, क्यों मानते हैं उनको इतनी तोप, और उनको फायदा क्या हुआ? उन्होंने बड़ी ऐश करी, मीरा मतलब एक कहानी बन के रह गई है, कथा बन के रह गई है। उन्होंने अपने जीवन में क्या आनंद महसूस किया होगा, वो आनंद हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उस आनंद को जिसने महसूस किया उसके बारे में बात करके बड़ा मजा आता है, हमें बड़ा मजा आता है कृष्ण जी की बात करके। अब कृष्ण ने भी ये स्थिति पाई होगी, लेकिन कृष्ण ने वो स्थिति पाने के बाद कृष्ण जैसा विराट रूप पाके मुन्ना भी ऑन रखा, फलाना भी किया, ढिमकाना भी किया, पार्टी भी करी। तो हम ये कह रहे हैं कि यार इतना कुछ चीजें बनानी है, लोभ लालच माया है, उसका एक स्टाइल बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं जिससे कि कृपा से मिले। उस दौरान जिसको रामकृष्ण जैसा बनना होगा बन जाए, रमन्ना जैसा बनना होगा बन जाए, जिसको पार्टी करनी हो पार्टी करे, बिल गेट्स बन जाए, मार्क ज़करबर्ग बन जाए, यानी कि सारी शक्तियां अंदर ही समाहित है, आपकी मर्जी है बाद में क्या बनना है। यदि आपको आनंद में डूब के आनंद आ गया तो आप आनंद के मजे लेना, उसके गोते लेना, सर एक बार छोड़ो संसार में क्या रखा है। और अगर आप कहोगे नहीं हम संसार में ही गोते लगाएंगे, हमें पार्टी करनी है, अब पार्टी करना सर इसको, पर हमें जानना ये जरूरी है कि ये सब करने की शक्ति एक अंदर है, वो है चौथी अवस्था। कुछ बनना है, आपको नहीं भी बनना है या बनना है, या ना बनना भी नहीं बनना है, या ऐसी जिंदगी काटनी गुमनाम, आनंद करना है कि नहीं। तो ये क्या पता अपने आप ही होता हो, हमारे करने से ना ही होता हो। हाँ ये कह रहे हैं क्या पता ये अपने आप भी होता हो, ये होता ही है, ये पहले ही है, इसलिए यहाँ पर पहुंचने की लड़ाई नहीं है, वहां हम पहुंचे ही हुए हैं, सिर्फ महसूस करने में क्या करेंगे। जैसे ये बात है, असली प्रश्न ये है कि फिर हम करें क्या, ये पागल हो जाएंगे, क्या चल रही है इस क्लास में, महसूस करने की बस वो, महसूस भी नहीं कर सकते इसको, महसूस ही उसकी वजह से कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं जो कुछ भी, वो किसकी वजह से महसूस कर रहे हैं? वो ही तो है जिसकी वजह से महसूस कर रहे हैं, अंदर कुछ है हमारे जिस शक्ति की वजह से हम महसूस कर रहे हैं। अब उस शक्ति के बारे में क्या करें, वो है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो है, उसके पास टैप करो, उसके बारे में समझो, जानो, उसके क्लोजेस्ट जाओ, और कौन समझेगा, समझ भी वही रहा है, उसको देखें कैसे, उसी की वजह से तो देख रहे हैं। इसीलिए इस क्लास में जिन जिनको नींद आए सो जाए, क्योंकि ब्रेन इतना खोपड़ी फाड़ेगा मुन्ना कहेगा ये जगलिंग हो गई, सिर में दर्द हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, ये समझ नहीं आ सकता। आप कह रहे समझ आ रहा है, समझ कौन रहा है इस टाइम, कौन समझ रहा है? समझने की एक शक्ति है अंदर जिसकी वजह से समझ रहे हैं,
अब आप जब ये जानने लगेंगे तो आपका साक्षी ऑन हो जाएगा। अब जब साक्षी ऑन हो जाएगा तो जेब में सब कुछ, रुपए कमाने जाओगे डॉलर आएंगे। जो लोग कमा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हो सकता है अननोइंगली कर रहे हो, उन्हें समझ ही ना हो, उतनी ही बुद्धि हो, पूर्वजन का संस्कार हो, किसी गुरु की कृपा है, कुछ तो है यार। तो वो ज्यादा बेटर है, वो बेटर है, इससे अच्छा पार्टी कर लो यार, क्यों रो पिट के भाई, दुखी है दुखी है, ऐसा ऐसा करो, दुखी होना है मर्सिडीज में एसी चला के दुखी होंगे, ठीक है ना, ऐसा वाला दुखी हो तो समझो यार, एक ऐसी अवस्था है हमारे अंदर। हमारे पास क्या हुआ, एक मकान बन गया, फिर दूसरा मकान बन गया, तीसरा मकान बनाएंगे, बना लेंगे, पर क्या मजा आ रहा है, भूखे अभी भी हो। अब ये जानना यार, इसी मकान में सारा ऐश करेंगे, ये मकान बन गया, ये मकान शरीर मिल गया, अब इस शरीर को बीमारियां लग रही, नहीं यार इसी को पार्टी कराएंगे, इसी को ठीक रखेंगे मरते दम, सुख आ गया। सुख और दुख के दोनों तल भी चलेंगे, भले ही आप विवेकानंद हो, भले ही रामकृष्ण हो, आप कुछ भी हो, वो चलेंगे, चलने दो, कृष्ण को भी चले, कृष्ण में शक्ति थी अहम ब्रह्मास्मि ये जानने की, कृष्ण भी इस अवस्था में गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पहले की तीन अवस्थाएं मारी नहीं है, उन्होंने रखी। कई ऐसे हैं जो समाधिस्थ हो गए, इसे समाधिस्थ कहते हैं, समाधि में चले गए, ये साध लिया, ये सिद्ध हो गए, ये समाधि में चले गए। आपको समाधि में जाना है, जा सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन, अपने इर्द गिर्द मिट्टी का ढेर लगाए, गड्ढे में बैठ जाए और टै, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिसेंटली एक मम्मी मिला है, काफी टाइम हो गया होगा शायद रिसेंटली, और काफी मैंने दोनों लगा दिए, अपने आप लगा लो ठीक है। उस मम्मी को बुद्ध की मूर्ति है उसमें, ये सच्ची घटना है। तो जब उस मम्मी को उन्होंने MRI किया, उसका कट शॉर्ट बता रहा हूं, तो उसके अंदर उन्हें ह्यूमन स्केलेटन नजर आया, बाहर बुद्ध है, मिट्टी की परत है और उसके अंदर कंकाल है। अब बोले यार इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पल्स आती है, तो मिट्टी की मूर्ति में से कहां से आएगी, लेकिन अंदर स्केलेटन था, उसको मम्मी बना रखा, यानी किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मॉन्क भिक्षु बन गया, उसने अपने शरीर को एनगल्फ कर दिया किसी चीज में, वो बिना पानी के, कहते हैं कहानी है, 1000 दिन जीवित रहा, ऊर्जा अंदर ही संग्रहित रखी और धीरे धीरे शरीर को त्यागता गया, तो शरीर मिट्टी का मिट्टी में ही मिल गया, अंदर कंकाल रह गया और बाहर से मम्मीफिकेशन हो गई, एक छोटा सा छेद रखा जहां से वो सांस लेता था, वो सब है उसमें, वो बुद्ध की प्रतिमा है और वो मम्मीफाइड है और वो 1000 साल पुरानी है, क्योंकि वो कार्बन डेटिंग करते पता लगा है। अब बोले 1000 साल से साला कंकाल बन के कौन अंदर रहा, कौन पागल था? अब आम व्यक्ति कहेगा पागल था यार ये, अब वो पागल क्या कर रहा है, वो धरती पे जन्म नहीं लेगा, वो किसी और धरती पे जाएगा, किसी और आयाम, किसी और लोक, जो लोकों की बात हमारे शास्त्रों में होती है, वो किसी और लोक में जन्म लेगा और वहां का जीवन पता नहीं कैसा होता होगा, कल्पना में ही सोचते रहते, हमारे तो स्वर्ग के कलेश खत्म नहीं होते। तो गुरुजी ये जो जगन्नाथपुरी में भी वो है कृष्ण जी का जो एक दिल है, दिल है वो मानता नहीं ना है? दिल है कि मानता नहीं ना, नहीं तो वो भी मतलब इसी से सिमिलर ही हुआ, वो भी कोई देख नहीं सकता, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो भी कोई देख नहीं सकता क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकलती है। जो गया में पत्थर है वो पत्थर धरती का है ही नहीं, वो किसी दूसरे लोक से आया हुआ है और वहां जाके पाप कट जाते हैं, बाकी कट जाते हैं, पता नहीं कैसे कटते, होते तो चमत्कार है। मैं भी सुनी सुनाई बातों में बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे, पर ये सुनी सुनाई बातें चमत्कार करती हैं। ऐसा एक व्यक्ति होता है, पीपल के नीचे बैठा है, झाड़ लगाता रहता है, पीली उड़ गया, अबे क्या कर रहा है तू, तेरे लगाने से क्यों हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक नहीं होती यार, ये रुपड़िया खा लेना, कैंसर गायब हो जाते हैं, ये कौन है जो चमत्कार कर बैठते हैं, ये कौन है, कोई तो है ना, ये अंदर की कोई शक्ति है। जब वो किसी को पुड़िया देते हैं, वो क्या सोच के देते हैं, उनकी खोपड़ी का एक विश्लेषण करते हैं, वो कहते होंगे एक तू पागल जो साले मेरे पास आया पुड़िया लेने, एक मैं पागल जो तेरे को पुड़िया दे रहा हूं, तो ये कह रहा है वो ऊर्जा दे रहा है, जिसे हम ब्लेसिंग कहते हैं, आशीर्वाद, वो ऊर्जा दे रहा है उस पुड़िया के अंदर, जो लेने वाला उसने ग्रहण किया हृदय से, हाँ दे दो, और उसके शरीर के अंदर चमत्कारिक बदलाव आ गए। लोगों के बिजनेस में चमत्कारिक बदलाव आते हैं, जॉब्स में चमत्कारिक बदलाव, चक्कर क्या है, कहीं ना कहीं हम दूसरे तल पे फंसे हुए हैं या तीसरे तल पे फंसे हुए हैं, हमारे काम नहीं हो रहे यार, हमारे काम नहीं होते। ये जो तुरी है इसको इसीलिए फिर वही बात आ जाएगी, जानना बड़ा जरूरी है, अब जान ही उसकी वजह से रहे हैं, जान सकते नहीं तो, पर उसके बारे में एक रियलाइज करना जरूरी है, पर रियलाइज कर सकते नहीं, उसी की वजह से रियलाइज कर रहे हैं ये खोपड़ी खराब है। तो जब आप ये मान लेंगे कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही वो कृपा देने वाला बैठा हुआ है, तो पहले तो आप बाहर का ढूंढ बंद करोगे, आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब कौन देगा, वो शर्मा जी देंगे, वर्मा जी देंगे, नहीं आपके अंदर का कॉस्मोस देगा, आपके अंदर कहीं डिफेक्ट है इसलिए आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बाहर विदेशों में बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको, बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी विदेश में जो कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धन को अट्रैक्ट करें, धन को अट्रैक्ट करें मतलब कमाएं ना,
प्रेम को अट्रैक्ट करें, मतलब मेहनत ना करें सजे सवरे नहीं, बीमारी ठीक करें, अट्रैक्ट करें हीलिंग को, हीलिंग अट्रैक्ट करें मतलब कोई दवाई ना खाएं, पर ऐसा होता तो अट्रैक्ट कहां से करें, अंदर का चुंबक सेट करो, आपको पैरों में ला के देगा धन। ये बातें हम पहले कई क्लासेस में कह चुके हैं, पैरों में आना चाहिए प्यार, पैरों में आना चाहिए धन, क्यों? अंदर से कुछ करना है हमें, अंदर से कौन करेगा, अंदर बैठा करने वाला, ये बात हम हजारों बार कर चुके हैं। सांस कौन ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, ये क्या तमीज हुई, सांस अपने आप चल रही है, ये क्या तमीज हुई, अपने आप भी कभी कुछ होता है, अपने आप दिन होता है, अपने आप रात होती है, ये अपने आप का कौन है शक्ति का वो पुंज जो अपने आप सब कुछ ठीक कर रहा है, वो अपने आप तब ठीक कर रहा है जब हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पुरुषार्थ ना करें, सिद्धत हो जाएगा यार। कभी कहते हैं पुरुषार्थ करो अर्जुन, तो युद्ध कर, मैं बैठा हूं तेरे आगे, वैसे कृष्ण जी बड़े मजेदार थे, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, नहीं तेरा भाई तेरे आगे खड़ा है यार, हद हो गई, कमाल हो गया, कृष्ण जी बेस्ट है यार, गाड़ी भाई चलाएगा यार, कृष्ण जी ने बोल नहीं सकते, कुट मारेंगे नहीं, गाड़ी भाई चलाने का लाइसेंस कृष्ण जी के पास है। तो ये स्थिति क्या है, यानी कि हमारे अंदर का कृष्ण हमारी गाड़ी चलाएगा, साला हम तो मरे जा रहे हैं, मकान नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही, ये कृष्ण जी कहां है, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, लेके क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमने भाई को पीछे बिठा रखा है, भाई को आगे बिठाओ, ये जो करेगा ये कौन करेगा, ये वो करेगा जो कहता मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं युद्ध में कुछ ना करूंगा, तो तू कर क्या रहा है फिर मैं कुछ कर रहा हूं भी नहीं कर रहा हूं और मैं नहीं करूंगा भी नहीं करूंगा, सिर में फिर दर्द हो गया। पर अगर आप अंदर कहीं ये रियलाइज कर बैठेंगे, इसे रियलाइजेशन कहेंगे, इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मास्लो की थ्योरीज में सातवां या पांचवा, कहीं पांचवा कहीं सातवां बनाते हैं, एक तल आता है जिसमें कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दान करके भी देख लिया साला, फिलंथ्रोपिस्ट बन के देख लिया, अपने जमा करके देख लिया, खिला पिला के देख लिया, बच्चों के लिए निचोड़ मार छीन सब करके देख लिया, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं भी नहीं करना है, फिर क्या लाश की तरह पड़े रहे भाई साहब, फिर देखो कृष्ण जी आपकी रथ को कहां ले जाते हैं, फिर देखो पार्टी ही, फिर मौजा ही मौजा, ये जिंदगी का तल कैसे पाते हैं ये लोग, अपने आप पाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेहनत नहीं की सफल होगा, तो यार ये पागल नहीं है भगवान, सोचा जाए हमने प्रार्थना करी, दिया बत्ती जलाई, रोज घंटी बजाई, ये सुनता है भगवान मेरी सुनेगा, जितने ऐसे प्रेमी है जो लगे हुए हैं हिप्नोसिस में बीसियों साल से, जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा भगवान बह रहा है, हो सकता है इतना भी वो इसीलिए दे रहा हो, साले मानते नहीं पट्टे, साले नहीं मेरे भाई बहन मानते नहीं है पट्टे, उन्हें यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि तुम्हारा तरीका गलत है, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे को सफलता इसलिए नहीं मिल रही, तो सफलता मिलेगी कैसे, सारा दिन तो हम मुन्ना ऑन रखते हैं, ट्यूं शुरू होना पिटना, काम नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, घर वाले नहीं सुनते, मैं भी अपनी नहीं सुनता, मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं, सफलता मिलती नहीं है, सफलता मिली जो है मेरे को, जो स्थिति है वो भी सफल ही है, लेकिन मैं दूसरे के कंपैरिजन में सोचता हूँ ना कि मेरे को सफलता मिली है नहीं मिली है, मेरी अपनी स्थिति में सफल हुई है। इन्होंने बोला है कि मैं सफलता मिली नहीं मिली ये मेरा खत्म हो जाता है जैसे मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ। हमारा पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो मन है, जो मुन्ना है, जो चिज्जी बनाता है, जो सफलता देने का हकदार है, मुन्ना इज एवरीथिंग, बहुत शक्तिशाली है, उस मुन्ना को एक आदत है, जो काम उसका रोज होता है ना वो उसका रस खो देता है। आप रोज बैठ के मालपुए खाओ, चार दिन बाद आप कहोगे इस जन्म में तौबा है मालपुए की, मुझे नहीं चाहिए, मुझे करेले खिला दो। ये स्वभाव को समझें, मुन्ना के स्वभाव को देखें। आप माँ बाप बच्चा बर्गर खा रहा है, मेरा बच्चा बर्गर बहुत खाता है, एक दिलाओ दो खाता है, आप हर बार खाते टाइम उसे टोकते, मत खा गंदी बात, कहता है अब तो पाड़ के खाऊंगा क्योंकि मेरी जीत है, मैं तुम्हें हराऊंगा माँ बाप, मेरे को तुम्हें हराना है। बच्चा जीत करता है, बच्चा जीत का जश्न लेता है, उसे बर्गर नहीं खाना होता, लेकिन टोक दो तो वो दो खाता है, चॉकलेट नहीं खानी होती, वो टोकते ही ज्यादा खाता है, क्योंकि उसका मुन्ना कहता है बदला टाइम, अब देखना तुम मुझे जितना टोकते रोकते हो ना, अब तुमने जो मना किया वो तो मैं करके रहूंगा। और गुरुजी वो जब उसको जो चीज काम का मना करो वो कहता मैं करूंगा। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जो काम मना करो करेगा, ये मुन्ना का चाव है, इसलिए टोकना बंद, इस पे क्लास की हुई टोकना, टोको मत रोको मत, बार बार नहीं, हम खुद को टोक रहे हैं, हम खुद ही को रोक रहे हैं, वो काम फिर मुन्ना करके छोड़ता, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, अनवांटेड वांट बनाता है, करा के छोड़ता है, सारा ऊर्जा का खेल है, हमने तो नहीं चाहा, कैसे हो गया, आपको पता ही नहीं, आपने नहीं चाहा को चाहा था, पावर वहीं लगाई थी, होके ही रहेगा, तो बच्चे की वो जीत है। अगर आप बच्चे को कहो हाँ बेटा खा बर्गर, बेटा कल फिर पापा बर्गर लाएंगे, चार दिन में बच्चा कहेगा ये मोया बाप साला मुझे बर्गर से नफरत है, वो बर्गर छोड़ देगा। हम ऊर्जा फेंकते हैं, ये ले बेटा तेरे लिए पापा चॉकलेट लाए हैं, पहले सोचते हैं हम खुश हो जाए, फिर सोचते हैं ना ही खाए दांत ना खराब हो जाए, हमने ना की ऊर्जा डाल दी उसमें, वो चॉकलेट सिर्फ एक शरीर मात्र है, अंदर कटर चल रहे हैं, बच्चा पाड़ पाड़ खाएगा, चार दिन बाद हम कहेंगे
यार तो खाया जा रहा है, तो फॉर्मूला फेल हो गया। अंदर का एनवायरमेंट खराब है, अंदर हमने चाहा ही गलत है। ये अंदर चाहने की जो बैटरी लगी है, जो शक्ति पुंज है, तुरी है, वो अवस्था जिससे झंकृत होता है पूरा कॉस्मोस, और होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। खुदा कौन है? खुद में आ। जब मैं खुद में आ गया, मैं खुदा से मिल गया। हमें कहां जाके मिलना है? खुदा से कहां मिलना है? खुद से मिल ली, यही मिल ली, यही खुदा मिल गया। सर एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टू रीच दिस स्टेट और टू रियलाइज दिस स्टेट ऑफ तुरिया, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन्स फेट, डेस्टिनी, स्टार्स, कि कोई बंदा तुरिया को रियलाइज करेगा, क्या उसकी फेट में ये चीज पड़ी जा सकती है? ये कह रहे हैं कि तुरिया स्टेट को कोई व्यक्ति रियलाइज करेगा कि यार ऐसा मेरे अंदर ही बैठा है सब कुछ, क्या ये भी भाग्य में लिखा होता है? ये सबके भाग्य में लिखा होता है, सबके भाग्य में लिखा होता है कि करने वाला कोई और है, लेकिन उसको हम पकड़ते नहीं, मुन्ना पकड़ने नहीं देता। थोड़े टाइम बाद मुन्ना कहता मैं करूंगा, मैं। जितने लोगों को मकान नहीं बन रहा, वो किस किस का नहीं बन रहा? जिसको जॉब नहीं लग रही, किसकी नहीं लग रही? उनकी जॉब नहीं लग रही, उनके मकान नहीं बन रहे, उनके कर्जे नहीं उतर रहे, जो एक ही शब्द कहते हैं मेरा मकान होना चाहिए यार, मेरे तो बच्चों की जरूरत भी है, तो बड़े हो गए हैं, मेरा मकान बनना चाहिए, मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे वैसा मकान चाहिए। जॉब किसकी नहीं लगती? जो कहता है मैंने पहले आज तक ये किया, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं इतने तो लायक हूँ। कौन कौन लोग है जिनको प्रेमी नहीं मिलता, शादी नहीं होती? मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मेरे को तो ऐसा मिलना चाहिए, मेरे जीवन में ये मैं। खुद ही जूरी, खुद ही जज, खुद ही मुजरिम, खुद ही सब फैसले भी खुद ही करेंगे। जिन्होंने सोच लिया ना यार टाइम था, बढ़िया था, निकला, अब देखते हैं, ढूंढते हैं भाई, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी देखा जाएगा, वो करेगा, दे देगा, उनके बन जाते हैं, उनको प्रेमी भी मिल जाता है, उनकी अपनी मौज होती है। अभी मूवी देखी मैंने ट्विन ड्रैगन्स MX पे, जैकी चैन की है, जुड़वा का ओरिजिनल, जुड़वा की ओरिजिनल मूवी। उसमें एक लड़की होती है, उसको उसके पापा कहते हैं, बड़ा पैसे वाला दिखाया है, डबल रोल है जैकी चैन का, नाइस मूवी। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई बेटी ये बहुत पैसे वाले हैं, पटा ले इसको, सेट कर ले बेटा, मौज करेगी। तो कहती है पापा मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ तो बॉयफ्रेंड की अलग बात है बेटा, पति भी तो चाहिए। बड़ा गहरा प्रभाव डालने वाला शब्द है कि पति भी तो चाहिए, बॉयफ्रेंड है, पति भी तो चाहिए। बेटा जीवन में जो चाहिए एक्चुअली नीड है, वो कुछ और है, वांट तो बहुत सारी है। नीड क्या है? पति। पति मींस किसी का ऐसा होना जो जीवन को संरक्षण दे। आपको ऐसा पति मिले जो प्रेमी से बढ़ के हो, आपको ऐसा जीवन मिले जो हमारी इच्छाओं के सुख से ज्यादा बेहतरीन हो। मुन्ना तो कहता है इसी में सुख होगा, तो सुख होगा। दारू पीने वाले बहुत सुखी है कि हम दारू पीते हैं मजा आए, अब उनका सुख क्या है? दारू बस हजम होती रहे, लिवर काम करता रहे भाई, बस अपना तो यही अरमान है। तो कितना सुख है उनके जीवन में अगर लिवर काम करता है, कितना सुख है। तो भगवान से मांगते क्या है वो कि लिवर धासु दे दे, मांगने का तरीका गलत होगा, बात अगर बेपरवाह है भगवान अपने आप कर रहा है। ये चमत्कार है, ये विचित्र बातें कैसे करता है ईश्वर? अनपढ़ गवार लोग साला अरबपति बन जाते हैं, मेहनत करने वाले उनके नीचे कुत्तों की तरह नौकरी करते हैं। ये क्या है? आप अंदर की रियलिटी में कहां अपने आप को टैप कर रहे हैं, कहां आप अंदर जाना सीख गए हैं? आपके चरणों में नौकरी, आपके चरणों में मकान, आपके चरणों में प्रेम मिलेगा। आपको क्या लगता है इतनी मेहनत कोई कर सकता है जो अरबपति बन जाएगी जन्म में? ऊपर वाले का हाथ है, ऊपर वाले का हाथ है, गांठ बांध लो, उसके बाद आप ऊपर वाले से एक बार कृपा लेके, एक लॉटरी काफी, एक लॉटरी लग गई, फिर आप चाहे अपने आप को बर्बाद करते फिरो वो आपकी मर्जी, चाहे आप आबाद करते फिरो आपकी मर्जी, आप दान करते फिरो आपकी मर्जी, लेकिन वो लॉटरी लगा देता है। हमें लॉटरी लगवानी क्यों नहीं आ रही? पहले तो लगती थी, अब क्यों नहीं लग रही? पहले बच्चा पढ़ता था, अब क्यों नहीं पढ़ता? कहीं ना कहीं अंदर की एनवायरमेंट में परिवर्तन आ गया है, हम अंदर से गड़बड़ है। तो आदमी को कहां पता लगता है कि मैं चेंज हुआ? हाँ ये बात है कि मनुष्य को पता कहां से चलता है कि मैं कभी चेंज हुआ? मुन्ना पता नहीं लगने देता। मुन्ना एक ऐसी सेल्फ है, ऑब्सेस्ड, सेल्फ इंप्रेस्ड स्थिति है, जिसमें मुन्ना कहता है मैं तो गलत हूं ही नहीं, वो तो अपने आप को ठीक जज करता कि मैं मुन्ना की क्वालिटी है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आपको पता नहीं लगने देगा, आपको पता ही नहीं लगने देगा आपसे गलती हुई है, वो आपको पता ही नहीं लगने देगा। आप सोचिए कौन है जो मेरे को पता लगने दे? कितने लोग हैं जो गलती करके सॉरी बोल देते हैं? पता नहीं, बच्चे को पीट पीट के बच्चा बदले लेता है, सॉरी बोल। बच्चे को ये पता है मेरी बेइज्जती की बात है, सॉरी का मतलब नहीं पता, सॉरी पापा बदले लूंगा बड़े होके, ये ब्रैकेट में था। और वो गुस्सा क्यों करते हैं? बाद में बच्चे बिगड़ैल क्यों? जितने लोगों के बच्चे बिगड़ैल हैं, क्लेश करते हैं बड़े होके, सबके माँ बाप ने उन बच्चों को कमांड किया है, वो बदले ले रहा है क्योंकि अब शरीर से बड़ा हो गया, तो पेरेंट्स के पालन पोषण में कमी है। फिर वो कहते हैं बच्चे तुझे हम ये बनाएंगे, उसको भी उसके अंदर लगा हुआ बैटरी लगी हुई है वही बना के देगा।
उसे भी कोई नहीं बना सकता, उसका मुन्ना उसका नसीब लेकर आया 12% वही बना के देगा। आप बड़े तुर्रम खाओ तो आप घमंड करने में लगे हो, हम बच्चे को ये बनाएंगे। बच्चा आपको कब बुद्धू बनाएगा पता ना चलेगा। हमारे जीवन में ये जो बिजली है छुपी हुई, जब जब इसका स्मरण करेंगे तो वापस ओरिजिनल के पास लौट के आएंगे। शक्ति का भंडार है वो, कायदे से तो वही तो सारी शक्ति है, और जब उसका स्मरण करके हम उसी के पास जाते हैं तो स्मरण कौन करता है? मुन्ना। यादें किसके पास है? मुन्ना के पास। मुन्ना भी वहां जाता है और मुन्ना भी जड़ हो जाता है, क्योंकि वो ही परम तत्व है, वही है भगवान, वही है सुपर ईश्वर। समर्पण करते हैं काम हो जाते हैं हमारे। ये कह रहे हैं जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो क्या काम हो जाते हैं हमारे? हमारे टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे गंदे सारे काम करता है वो, लेकिन पूर्ण समर्पण से ही करता है। अब हमने पूर्ण समर्पण कर दिया और हम इम्प्रेस हो रहे हैं, मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया। नहीं किया आपने? जब कर दिया आपको पता ही नहीं आपने पूर्ण समर्पण कर दिया। इसलिए सिर्फ हताशा में और पिटाई के बाद ही समर्पण हो जाता है। जब हो जाता है काम हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं आज तो भगवान से मैं कुछ और भी मांग लेता, हो जाता। आपने मांगा ही नहीं, आपने छोड़ दिया, वो हो गया। फिर कहते हैं तुझे सब पता है, तुम आए, तुझे तो सब पता है भगवान, जो आपके अंदर चल रहा है वही वो जंकृत कर रहा है कॉस्मोस में। इसलिए आप बड़े ध्यान रखो अंदर क्या चल रहा है। गुरु जी, जब काम हो जाता है ऐसे पूर्ण अपने आप, जब कोई भी समर्पण हो जाता है, लेकिन फिर जब उसके बाद फिर वो थोड़ा सा अहंकार आता है, फिर वो काम होते नहीं, फिर उसके बाद हम वो याद करते हैं वो सिचुएशन, कब वो काम हुआ था, वो टाइम ही याद नहीं आता, वो पोजीशन भी हमें याद नहीं आता। ये कह रहे हैं जब काम हो जाता है पूर्ण समर्पण के पश्चात तो कुछ टाइम बाद अहंकार हो जाता है और फिर से दोबारा से हमारी पिटाई शुरू हो जाती है, फिर वो टाइम याद नहीं आता कि कौन से वाले थे हम जिसमें काम हुआ था, और उस वाले को दोबारा कैसे ऑन करें यार, जो पूर्ण समर्पण है और काम हो जाए। इसीलिए हर समय चैतन्य होना जरूरी है। आपका तीसरा डीप स्लीप का तल होता है तो चेतना भी विश्राम करती है, आपकी कर्म इंद्रियां आपकी ज्ञान इंद्रियां सब विश्राम करती हैं तीसरे में, डीप स्लीप रिपेयर चलता है। और उस चेतना के प्रति चैतन्य जब आप हो जाएंगे ना, यार मेरे अंदर चेतना है, यार मेरे अंदर है कुछ लगा हुआ है, मेरे अंदर कोई ऑन है, कोई और भी रहता है जिसकी वजह से मुन्ना भी काम कर रहा है, पल रहे हैं, पूस रहे हैं, संसार चल रहा है, कि जब हम ये लेके चल रहे हैं कि चेतना मेरे अंदर है, तो जो लोग ये कर लेते हैं, और गलती से ये सबके साथ होता है महीने में 2-4 बार, पर मैं बता दूं जो लोग ये कर लेते हैं चेतना के प्रति चैतन्य, उनको सपने में भी पता होता है कि वो सपना देख रहे हैं, और वो सपने अपनी मर्जी के चेंज कर सकते हैं, और वो चैतन्य होने की बात है। इसके ऊपर हमारे एक भगवान है चैतन्य महाप्रभु, यानी कि आप ऐसी स्थिति में आ गए आपको पता है, आपको पता है अंदर क्या चल रहा है, और संसार के लिए आपका क्या है? पता नहीं, कोई पता नहीं। पता नहीं क्यों? पता सब है लेकिन पता कौन करेगा? वो करेगा। आपका क्या राय है इसमें? आई एम नॉट पार्टिसिपेंट, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं जुड़ूंगा ही नहीं चमकों से, मैं दूसरे की वजह से हरकत बदलूंगा ही नहीं अपने अंदर का एनवायरमेंट, मुझे कोई पता नहीं क्या चल रहा है, समय कराएगा, ईश्वर कराएगा। जब वो चैतन्य आप हो जाते हैं तो आप रोज करते हैं ऐसा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, साक्षी भाव। और कुछ लोगों को रेगुलर ये ऑन होता ही, अपने आप भी होता है एक्सीडेंटली रेगुलर, सोए सोए उनको सपने में पता होता है क्या चल रहा है, मैं सपने देख रहा हूँ, सपने कंटिन्यू कर लेते हैं उठने के बाद दोबारा से। क्या डीप स्लीप की स्थिति भी पता चल सकती है कि मैं डीप स्लीप में हूँ? इन्होंने बोला क्या डीप स्लीप में भी पता चल सकता है मैं डीप स्लीप में हूँ? जब पता चलना ही बंद हो गया वही डीप स्लीप है। आप जब रात को सोते हैं, ये चीज हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं, तो आपकी जिंदगी रिपेयर होती है, आपका शरीर रिपेयर होता है जब डीप स्लीप में है, तो आपका शरीर ऐसे निष्क्रिय है, चेतना निष्क्रिय हो गई, और आप डीप स्लीप में, आपका सब कुछ रिपेयर हो रहा है ना। अब आपके जीवन में आपका एक पता लगा, बिजनेस में कोई पंगा पड़ गया है, आपके घर गृहस्थी में तनाव हो गया है, अब वो रिपेयर कैसे हो? क्या आप जागे जागे डीप स्लीप में जा सकते हैं? जागे जागे जागृत हो जाना यानी रिएक्शन ना देना, डीप स्लीप ऑन हो जाएगी, आप सोओगे नहीं। जब हम जागे जागे सपने ले सकते हैं तो जागे जागे सो भी सकते हैं, यानी कि हम इतना जाग चुके हैं जीवन के प्रति कि अब कुछ हो रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, डीप स्लीप में फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में चोर आया, चोरी करके चला गया, आपको पता ही नहीं, तो यानी पता नहीं है इसका सीक्रेट। अगर आप जागी अवस्था में आपके साथ कुछ हो रहा है और आपसे कोई पूछ रहा है क्या चल रहा है यार, क्या सोचा आपने बिटिया की पढ़ाई के बारे में, बेटे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा, आप डीप स्लीप में बोले पता नहीं, आपका रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। कितने एपिसोड्स हैं जीवन में जो झटका देते हैं, लेकिन आपको तो पता करना होता है, आपको तो पता होता है, आप तो अपनी राय घुसा के छोड़ोगे, आप तो भगवान नाम के पत्थर की मूर्ति पे सर पटकने जाओगे, आप तो चलिए रखोगे, उससे भी काम होते हैं मुन्ना के दम पे। हम बात कर रहे हैं मुन्ना के दम पे सिर्फ इच्छाओं और कामनाओं का। 5 चीजें जाती है मृत्यु में,
आत्मा के साथ ऊपर रुकते हैं, देखते हैं, याद दिलाना क्या होता है, मैं भूल जाऊंगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर कृपा लेने वाली बात पर जाओ तो आपके जीवन में पता नहीं होगा तभी कृपा होगी। कृपा से मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल का क्या मतलब क्या है भाई? तो सोचा भी नहीं था। क्या आप ऐसी स्थिति में बार बार जा सकते हैं कि सोचा भी नहीं था? हम तो पहले ही सोच लेते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर प्लस इंजीनियर प्लस पायलट बनेगा, वो प्लेन में बैठ करके सारे इंजीनियर के इक्वेशन सॉल्व करेगा और 3 मरीज भी ठीक करेगा हर फ्लाइट पे। हमें सब पता होता है, हमें सब पता होता है। संत कौन है, साधु कौन है, उसे कुछ पता नहीं और उसे सब पता होता है। वो भविष्य देख लेता है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मीन्स लीला है। कृष्ण को एक धेले का फर्क नहीं पड़ा, लोग कहेंगे जल्लाद था। कहते हैं लोग इतने लाखों करोड़ों लोग मार दिए। अब कृष्ण को समझना है तो यार अर्जुन बन जाओ तब आएगा। कृष्ण को समझ में आने वाली चीज है। कृष्ण के बारे में बात करते लोग रोते हैं, अपना अपना कृष्ण, कोई राम के लिए रोता है। यानी आप समझना ही नहीं चाहते उसके बारे में। गलत और सही खत्म हो गया। आप प्रेम में है। प्रेम किसी को समझ आता है? ये वो चीजें हैं जो परमात्मा की हैं। ये वो तुरीय के द्वारा झनकृत करने वाली शक्ति है। तुरीय वुरीय कोई प्रेम प्रेम ना करेगा, लेकिन जो उस तल पे पहुंच गया कि मेरे अंदर एक ऐसी स्थिति है, वो मौन सीख जाता है, उसे पता नहीं और हो जाता है, उसका ये रोना ही खत्म हो जाता है। शादी नहीं हो रही भाई, शादी नहीं हो रही भाई, भाई मैं तो परेशान हो गया, प्रमोशन नहीं हो रही मेरी, मैं बर्बाद हो गया यार। आप सारे टाइम कोस रहे हो, कुड़ रहे हो, पिट रहे हो, एक ही पाठ से जिंदगी सुबह की गुड मॉर्निंग करते हो, अगला दिन भी वैसे ही जाता है। इस तल के बारे में जानना, उसी की कृपा से जानना, उसके तक पहुंच जाना हमें शक्तिमान से मिला देता है और आपके काम रॉकेट की तरह होते हैं। और करना क्या है? कुछ नहीं। जानना क्या है? कुछ नहीं। पता क्या करना है? नहीं पता करना। कर्म क्या करना है? देखा जाएगा। तो साला फिर हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना भी एक करना है। हमें कुछ नहीं भी नहीं करना। अब तुरीय ऑन होगा, अब तुरीय ऑन होगा। ये ऑन ही है, यही शब्दों का खेल है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि सिरदर्द होगा इस क्लास में, पर शब्द बताने पड़ेंगे क्योंकि शब्द है ही नहीं। इसके लिए चौथा वर्ड दे रखा है, फोर्थ स्टेज। इसका शब्द ही नहीं है कि तुरीय अब ऑन होगा। तुरीय ऑन ही है, पर अब तुरीय की कृपा से होगा। तुरीय की कृपा से ही हो रहा है, जब तक भी हो रहा है, इसलिए शब्द नहीं दे सकते। बस इसको अंदर से कहीं पहुंचना है, अंदर, या बाहर जाना बंद करना है। अंदर कैसे पहुंचे? अंदर पहुंचे हुए हो, बहुत पहुंचे हुए हो, बाहर जाना बंद करो, अंदर ही पहुंचे हुए। जीवन में बहुत दुख है यार, सुख कब आएगा? दुख खत्म कर दो, सुख ऑलरेडी है। सुख कहीं जाता ही नहीं। वो महात्मा जी से पूछा, भगवान मैं बड़ा दुखी हूं, मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं? बोले बेटा तो बड़ा आसान है, मैं बता दीजिए महाराज। बेटा दुखी होना बंद कर दो। सर आपने कहा की वजह से एक तरीके से हम जो भी कर रहे हैं या जो भी फील कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाता है। तो जो पेशेंट्स या जो लोग जिनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस हो जाती है, डिप्रेशन हो गया या फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, पैरालिसिस हो गया, बॉडी नहीं चल रही, सेंसेस नहीं चल रहे, तो वो इस तल से दूर हो जाते हैं इस वजह से, ऐसा होता है? ये कह रहे हैं जो तुरीय के तल पे काम करते हैं क्या वो इस तल से दूर हो जाते हैं, जो कि उनको पैरालिसिस, डिप्रेशन, पराना, धिमकाना होता है, उससे आप दूर हो ही नहीं सकते। तो फिर वो तो है ही, वो एक पर्दा है जिसपे सब कुछ हो रहा है, वो तो है ही, उसके बिना तो होएगा ही नहीं, तो आपको उसके पास जाना भी नहीं है। तो फिर ये प्रॉब्लम, आपको बाहर नहीं जाना है, वो तो है ही, क्योंकि वही वाइब्रेट कर रहा है, उसी के ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्मोस वो सब दे रहा है जो आप मांग रहे हो। कॉस्मोस दे ही वो सब रहा है। वो चीज भी तभी हमें मिल रही है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम मांग रहे हैं, हम वो चीज कॉल कर रहे हैं। हमने वही जो ब्रेन होता है, ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, थॉट, ये थॉट विचार से बनता है, थॉट से, और बॉडी पेटू में मैग्नेट बनता है, मैग्नेट मींस इमोशन। यार क्या महसूस किया? एक ही विचार पे मैं अच्छा महसूस कर सकता हूँ, आप बुरा महसूस कर सकते हो, तीसरा कर सकता है ठीक ठीक लग रहा है यार, अलग अलग महसूस। उसकी वजह से हमारे हृदय चक्र में फीलिंग जनरेट हुई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों का निचोड़, वो फीलिंग क्या है? वो फीलिंग वो है जो हम अंदर फील कर रहे हैं। हमने अंदर ये फील किया बुरा, अचानक कॉस्मोस से बुरा आना शुरू हो जाएगा। मैंने फील किया मजा आ रहा है लाइफ में, तो ये फील हम तुरिया के बेस पे कर रहे हैं, उस पर्दे पे खड़े होकर कर रहे हैं ये फीलिंग। ये कह रहे हैं ये फीलिंग क्या हम तुरिया के पर्दे पर कर रहे हैं, उसके पर्दे पे ऑलरेडी हम हैं ही, उस पे खड़े होके करना ना करना ये क्रिया नहीं है, वो एक बिजली है जो बादलों में छुपी हुई है, पर वो है, पर वो है ही नहीं, पर वो नहीं है ऐसा भी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसे यूं ही कुछ महसूस होगा। अच्छा ठीक है ना, मान लेते हैं ना, कुछ है, बस खत्म हो गई ना बात यार,
झंझट में गौर क्यों करो। पर पॉइंट क्या है, जब जब आप जितना चैतन्य होते जाएंगे उस अवस्था के लिए, आप बाहर से कटते जाएंगे और बाहर से दुख बुला रहे हैं। फीलिंग का मतलब मेरे हृदय चक्र में एक गोला बनना शुरू हुआ, मैं फील कर रहा हूं जीवन बर्बाद है, घटाक्ष बर्बादी आने शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा जीवन में मस्ती है मैन, ऊपर से मस्ती का बम्बार्डमेंट होगी लाइफ में, यार मेरे पापा बड़े खराब है यार, मैं ऐसे फील करता हूं। आपको खराब शब्द आना शुरू हो जाएगा धरती पे, अपने अपने शरीर में आपका नाश हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। पापा का क्या होगा, पापा जो फील कर रहे हैं वही होगा, आपके कहने से कुछ ना होगा। आपका कुछ ना होगा, पापा का आपने शराब दे दिया, वरदान दे दिया, उसके लिए यहाँ पहुंचना पड़ेगा जो शराब पर वरदान हो गए। मुझे यहाँ पहुंचते हैं वो शराब पर वरदान भी देते हैं, वो पेनिट्रेट कर देते हैं, वो भेद देते हैं दूसरे की शील्ड को। ये और आगे चली जाएगी बात। आप कहते हो ये चाहिए, ये काम मुझे मिलेगा, ये पैसा ये मकान मिलेगा, मिल जाता है, आप भेद देते हो, ये मंगाया मैंने अपने अंदर आ गया, ये फीलिंग। आप फील क्या कर रहे हो? पर जब आप ये जान जाते हो कि एक अवस्था मेरे अंदर ऐसी भी है जिस अवस्था की वजह से ही सारी अवस्थाएं चल रही हैं, और उसे अवस्था का नाम नहीं दे सकते, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी बीमारी लिखी है 12% पूर्व जन्म की, आपको कैंसर होना होगा, वो तो होएगा, वो तो बच नहीं सकते, वो कर्मों का प्रोसेस है, वो होएगा, लेकिन कैसे होएगा, कष्ट होएगा ही, कष्ट ही नहीं होगा। आपके पास अरबों रुपए आएगा, आप पागल हो जाओगे, दारू पियोगे, मस्ती मारोगे, अय्याशी करोगे, वेपन खरीदोगे, नहीं कुछ नहीं करोगे, आप सहज रहोगे, नॉर्मल रहोगे। तुरीय अवस्था को हम शब्दों में कह नहीं सकते, यूं समझो सहज। अब फिर ये भी शब्द कहना गलत है, पर ऐसे मान लो सहज हो गए। जब आप सहज हो गए तो मुन्ना भी शांत हो गया, चमको भी शांत हो गया, और फिर क्या हुआ, सुख तो ऑलरेडी है ही, मकान पड़े ही है मार्केट में, प्रेम पड़ा ही है हर जगह, पति पत्नी पड़े हैं, सोफे पड़े हैं, बिल्डिंग पड़ी है, नौकरी पड़ी है, पैसा पड़ा है, सब है ही, पर सहज नहीं होना था। ओम स्वाहा, ब्रेड तो पड़े, खाने के बाद सहजता की बात करेंगे, मंत्र बन गया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जी, छुट्टी सा। हम हर समय स्टेज पे रह सकते हैं सर? ये कह रहे हैं हमारे समय उस स्टेज पे रह सकते हैं, उस स्टेज पे रह नहीं सकते, नहीं उस पे है ही।